करोगे क्या, जो जो चीजें होगी वो सब शो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन लंबा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखो पांच कार्बन हो गया, पांच कार्बन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी आर लगा। देखो इसने बोला टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आई सो और इस कंपाउंड में, ठीक है ना, तो इसमें बी आर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब टोटल स्ट्रक्चर आई सो, तो स्ट्रक्चर में भाई चेन भी था, पोजीशन भी है, रिंग भी होगा, बुक बंद करो, चलो यहाँ पर 1 2 3 4 ठीक है। स्ट्रक्चर में भी अब जितना बड़े उससे उसकी बात करेंगे, पूरी चेंज भी होता है। तो देखो ये पांच, इसमें क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ये पोजीशन हो गया। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा पांच, देखो यहाँ पर लगा सकते हैं, सबका किसी ने अलग लगाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये पोजीशन हुआ, उसने पूछा है टोटल, तो इसका मतलब चेन भी आएगा, चेन आएगा तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कितने कार्बन हो गए, पांच। तो हम क्या करते हैं, एक बार दिया क्रिया लगा देते हैं, ये सी, तो यहाँ पर जाएगा बी आर, ये और ये दोनों सेम ही है, दोनों किसे करेंगे डेट 1 डिग्री, ये हाँ। अब यहाँ पर लगा दो और ये क्यों हो जाएगा, अभी और भी चेन को छोटा कर सकते हो, अरे चेन को छोटा नहीं कर सकते हो, ये बी आर, लेकिन अब इस बी आर को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना, आई यू पी एस सी सेम हो जाएगा। अब दो स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा, तो वो कौन बताएगा, आई यू पी एस सी, आई यू पी एस सी, कभी भी डाउट हो ना, इस कंपाउंड ये भी तो बना सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको सबका नाम लिखोगे ना तो अपने आप उसका भी टकरा जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर लगा दिया, चाहे ये ब्रोमीन यहाँ पर लगाया, चाहे मैंने यहाँ लगाया, कहीं पर भी लगा, ठीक है, तो आई यू पी एस सी रखोगे ना तो दोनों का सेम ही आएगा। अब दो सेम आ गया, मतलब दोनों कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, और कुछ होगा नहीं, 3 4 5 6 और 7 और एक कितना हो गया, 8, ठीक है ना, यानी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम अगला टॉपिक पे आते हैं, खत्म करके तब पॉइंट करते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक, लाइक यहाँ पे
यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपके पास कुछ ऐसा, अरे CH2, अरे CH2, फिर ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब फिर आपके पास दिया हुआ है कुछ ऐसा, दिख नहीं रहा है कौन बोल रही है, एक दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और एक दिया हुआ है ऐसा, और ये दो एक दिया हुआ है आपके पास, तो चले दो ज्यादा हो जाएगा, 1, 2, 3 और एक 4 दिया हुआ, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इस समय इसमें रिंग कितने में मेंबर का है, इसमें 4, इसमें 5, यानी cos सेकंड, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, ठीक है ना, cos सेकंड एंड थर्ड आर रिंग आइसो मॉस। बट देखो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तीनों में से कोई एक को इससे कंपेयर करो, किससे, इससे, तो ये देखो ये रिंग हो गए, मतलब सॉरी ये चैन है, ये चैन है ना, तो चैन कहलाएगा, तो इन तीनों में से किसी एक को ले लो, मैं एक को ले लेता हूँ, ठीक है ना, बट फर्स्ट फर्स्ट एंड किसका फोर्थ या सेकेंड फोर्थ या थर्ड हो, इच रिंग, क्योंकि पहला रिंग है और दूसरा क्या है चैन है, इसको कैसा हो जाएगा चैन, यानी इसको बोलो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो देश सेम ही है, अब देखना अब आपके मन में ये ना है कि सर इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें कितने हाइड्रोजन है, सर हाइड्रोजन पहचानते हो ना जी, तीन रहेंगे, ठीक है, हाँ तो इसको बोलेंगे रिंग और चैन, बस समझ रही ना, तो बता टू और फोर को क्या बोलेंगे, कौन बोलेंगे रिंग चैन, और इसको भी क्या बोलेंगे रिंग चैन, क्योंकि ये रिंग है और ये चैन है, ठीक है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए नया नाम आ गया कौन सा रिंग चैन है, ठीक है ना। हाँ अगर मान लो मैंने एक और एग्जांपल दिया यहाँ पर, दिया क्या ऐसा, ठीक है ऐसा, तेरा को मैंने दे दिया कौन सा हो गया,
रिंग एक्सपर्ट नहीं होते हाँ रिंग में डिफरेंट होगा तभी रिंग एक्सपर्ट समझे नोट करिए और करिए कुर्सी उधर रखे हो चौथा है ना फोर्थ तो कल दो ही हुआ था बहुत कम लिखते हो ना Yeah.
साथ ही साथ कुछ और भी दिख रहा है एज वेल एज जी पोजीशन एक दो नहीं एक दो तीन एक दो क्लियर है बुक है ना तो हो जाएगा एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स बड़े ध्यान रखिएगा पोजीशन में ऐसा नहीं होता है पोजीशन है कुछ पोजीशन है तो उसमें डायवर्जेंस जो नहीं होता है क्यों उसमें डायवर्जेंस फंक्शन रो नहीं होता है छाप पर एक एग्जांपल देता हूं ये रुको रुको छापो मत देखो बोलो मैं तो हां हां छाप के रहता हूं देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया गया ये देखो सी सी और ये हो गया हमारे पास सी एन एच सी सी अगर आपके पास ये दे दिया फिर सी 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 और एन एच आपने सी दे दिया और ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया बस मैं नहीं ना ऐसा तो काफी ज्यादा हो गया क्या अच्छा दो छो देखो इधर का अलग और इधर का अलग और एक में सेम भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनके दोनों साइड का जो होना चाहिए ना डिफर होना चाहिए फिक्स है ठीक है ना लेकिन अगर ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर दोनों तरफ तो अलग रहे तो ज्यादा फायदा होता है उसको सोचने की बात नहीं आती है कभी कभी ऐसा एक्सेप्शन टाइप का केस दे देगा लेकिन दे देगा तो सिर्फ घबराना नहीं है मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप तो लिख लोगे ना ये आपकी जिम्मेदारी है तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या चीज मेटा मेरी जम और एज वेल एज फंक्शनल आइसोमर्स पांच नंबर ना फंक्शनल आइसोमर्स इसमें क्या हो जाएगा देख ऊपर देखो एकदम सिंपल तो समझ जाना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाएगा सेम हो जाएगा तो पूरा लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अच्छा मैं बोल देता द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत बोलते हो बट डीपर एम क्या चीज फंक्शनल रूल देखा यहाँ पर क्या आ जाएगा पहला नंबर पे एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल ही क्लियर करेगा देखो दो ऐसा फंक्शनल रूल देखो जी जो शक्ल से देखने में बराबर है कौन है बताओ चलो एक जैसे मैं बताता हूँ एक होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक और एक हाँ और इसकी एक सिस्टर है कौन ईस्टर ठीक है ना ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर याद है कि भूल गए ठीक है अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3CH2 सी डबल बॉन्ड और ओ एच फिर इसका लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 ठीक है ना एक दो हाँ बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है अरे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3 H 3 तो ना 6 और कितना जाएगा 4 2 ठीक है ना देखो इसमें भी
तीन दूना छः, एक दो तीन, और तीन दो पाँच और एक छः, और दो ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ रही ना? लेकिन इसका जो किसी ने बताएंगे मैडम आप बोलो। माइनस वन नंबर मतलब गलत। नीचे बताइए मिड पॉइंट, यस, इसका नाम आप बोल भी रहे हो क्या? बोलो जोर से। बताओ मिस्टर क्यों? अच्छा पहले मैं इसकी चार्ट होती है। हाँ बताओ इसका ना प्रॉब्लम है, कैसे कैसे रहेगा? हाँ इसका प्रॉब्लम तीन कारण के लिए क्या लगाते हैं, प्रो पेन अमोई ऐसे। इसका देखो ये विदाउट पोजीशन लिखते हैं, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा हाई और ये दो कार्बन है E-N-O-A-T, हो गया? हाँ, तो देखो ये E एग्जांपल, ठीक है ना? A और B, A and B, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन देखो इसमें कोई किसी लगा और इसमें क्या लगा है, O-A-T लगा है, मतलब A and B आर क्या चीज, फंक्शनल आइसोमर्स, A5, बस नहीं। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा बताओ कोई जो सेम देखने में लगता हो। बोलो बोलो जो शक्ल से देखने में सेम लगे, बोलो। बोल रहा है कि अच्छा मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, ओके भाई बोलता हूँ। देखो ये तो समझ गया ना, A5 देखो ये होता है अल्कोहल के नाम से सुना होगा, OH होता है, और ए किसी का मतलब एक भाई होता है, ई धातु, याद है? एग्जांपल लेते हैं तो देखो CH3 CH2 CH2 और OH, फिर इसमें हो जाएगा CH3 CH2 O ठीक है ना। अरे इसका नाम बताओ तो मैं बताता हूँ, समझ गया। कम कार्बन में ऑक्सीजन की कर लेते हैं तो मी ऑक्सी इथेन, मतलब रिवीजन करके आओ अब मैं पूछूंगा ये फंक्शन, ठीक है ना, जो राय बताएंगे ये उल्टा बटे करवाएंगे पूरे 50 बार। यहाँ पर आ जाओ इसका नाम तो क्या जाएगा, प्रोपेनॉल, और हो जाएगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5H8 और 1 ऑक्सीजन, दोनों में सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल रूप अलग अलग, इस कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। और बताओ कुछ जो दो देखने का सेम लगे, बोलो ना, बोलिएगा बोला तो पड़ेगा, क्यों नहीं बोलोगे? तीसरा कीटोन क्या नाम सुने, सी डबल बॉन्ड और ए, और आरडीआई का नाम सुने, तो सी हो गया। एग्जाम्पल दिया जाए इसको तो CH3 CH2 CH2 नहीं सी डबल बॉन्ड और इसमें CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड और H हो गया। इसका नाम ना बोलो, बोलोगे इसका नाम ब्यूटेन।
करते हैं ठीक है। और इसका नाम ब्यूटेन ऑनल पास बदला ओके मैं भूल गया ना। हाँ बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स ड्यू टू क्या चीज फर्स्ट एंड सेकेंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है ठीक है ना। लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है अलग अलग तो इसका एमएफ लिख लोगे ना कितना हाइड्रोजन सेकेंड डिग्री अमाइन एंड डीजे पर चलेगा अमाइन ठीक है। चलो यहाँ पर ये अच्छा लगता है डीजे वगैरह जो होता है ना इंसान को हमेशा ना खुश रहना चाहिए मस्त रहना चाहिए गाते रहना चाहिए हर समय जिस समय भी खाली बैठो ना गाते रहो मत मैं गाना गाता हूँ सर को मुझसे पूछना बोलो बेचारे को दो गाना पड़ता क्या हो गया सर सर क्या आप देखिए हमेशा अरे नहीं आप कोई बोलेगा क्या अभी तुम लोग को बोलूंगा गाना सुना तो बोलेगा क्या बताए सर नहीं आता है नहीं आता ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कलाकार है जैसे ये अपने आप अरे भाई कैसे गा रहा मैं तो बहुत गाता हूँ मैं गाऊंगा तो बेहोश एक तो भाषा नहीं समझ में आएगा ठीक है ना हिंदी आता नहीं हाँ चलिए तो इसलिए सुन लो ही मैं गाने से ज्यादा तो डांस करता हूँ करेंगे करेंगे बहुत जल्दी करेंगे मेरे को अगले साल डांस ही करना है अब आ जाओ ठीक है ना। अब फिर हमारे पास हो जाएगा CH3 और CH3 पहला दूसरा अरे तीसरा ध्यान से देखो कौन सी डिग्री हमारी है ये थर्ड डिग्री है गजब गजब हाँ ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है यानी ये क्या हो जाएगा तीनों क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा ठीक है ना बात समझ में आती है ना। चलिए देखो ये कैसे गाना गा रहा है मन में गा रहा है वो गा रहा है साइलेंट सॉन्ग क्या आता है देखो साइलेंट सॉन्ग तो सुना सकता उसको बोलते चलिए याद नहीं करना जरूरी है लिख तो लिया होगा किधर लिख गया देखो यहाँ पर CH3, CH2 और SH एंड CH3, S और CH3 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C2H3
पॉलिकुलर फार्मूला बराबर है ना। ये दोनों भी क्या देंगे उसको करेंगे मार्जिन का रखा हुआ नहीं है सर इतने देर से बात देख भाई जी सर बात कोई बात नहीं मार्जिन बात नहीं वैसे जी और भी होता है क्या बताओ आप कितना चार चार पढ़ी है होता है